जहां पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीलियों और ग्लेशियर तेजी से कम होने का वावेला हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने उसने गिलगित शहर का करीब तरीन सियाहती इलाका वादी बगरोड में ग्लेशियर तेजी से बढ़ने की खबर ढूंढ निकाला। बगरोड में जहां हिनर्च ग्लेशियर तेजी से हो रहा है, तो दूसरी जानब गर्गो ग्लेशियर तेजी से बढ़ रहा है। इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप खुद जानिए। यहाँ पे आके ये फील किया है, ये क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट को स्टडी करने का एक नेचुरल लेबॉरेटरी है, और कराकोरम जो एनामली है वो एक कॉन्सेप्ट हम काफ़ी अरसे से सुनते आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था। और पहली दफ़ा मैंने देखा कि एक बर्चा ग्लेशियर जो है वो बढ़ रहा है और एक तरफ से गर्गो ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है, तो एक ही जगह मैंने दोनों पहले देखा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत, वासियों को यहाँ के स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज़ मुहैया करनी चाहिए कि हम आगे जाके इन एरियाज़ में जिनमें खसूसी तौर पर टूरिज़म, फॉरेस्ट्री, हमारा गोल्ड माइनिंग, कॉपर माइनिंग, इन एरियाज़ पर एग्रीकल्चर जो यहाँ का खसूसी लाइव स्टॉक है उस पर हम काम करें और इस जगह में लोगों के लिए, नई नस्ल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा करें। अगर हुकूमती सतह पर फौरी इकदाम उठाए जाए तो बगरोट और हिनर्ची ग्लेशियर पर रिसर्च मुमकिन हो सकती है। कैमरामैन वजाहत अली के साथ इम्तियाज़ गुलाब बगोरो, रोज़ न्यूज़, बगरोट, गिलगित।